नमस्कार सर, यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दूसरों के नाम से सिम एक्टिवेट कर अपराधियों को बेचने वाला गिरोह का भंडाफोड़। कॉल सेंटर चल रहा था फर्जी सिम से। प्रयागराज आर्मी इंटेलिजेंस टीम, एसओजी नारकोटिक्स और करेली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने वोडाफोन कंपनी के फर्जी सिम बेचने व कॉल सेंटर चलाने के आरोप में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1000 एक्टिवेटेड सिम बरामद किए। गिरोह के सदस्य भोले भाले लोगों के दस्तावेज किसी बहाने से हासिल कर वोडाफोन कंपनी के सिम एक्टिवेट करते थे। इन सिम को वे अपराधियों को विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से ऊंचे दाम पर ऑनलाइन बेचते थे। इस तरह से खरीदे गए सिम से अपराध रोकने के बाद पुलिस को जांच के दौरान आरोपियों को पकड़ने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि बेचे गए सिम बैंक आदि में फ्रॉड कर दूसरे के खाते से पैसा निकालने और गंभीर अपराधों में इस्तेमाल किया जाता था। आरोपियों ने बताया कि वोडाफोन के एक्टिवेटेड सिम बहराना स्थित एक कॉल सेंटर में काफ़ी मात्रा में बेचे गए हैं। टीम ने फर्जी सिम से कॉल सेंटर चलाने के आरोप में सेंटर मालिक को भी गिरफ्तार किया, जबकि वहां काम करने वाली लड़कियों से पूछताछ जारी है। सेंटर मालिक ने बताया कि उसकी 2 कंपनियां हैं। उसने वोडाफोन के फर्जी सिम लेकर कॉल सेंटर शुरू किया। वहां लोगों को नौकरी का झांसा देकर उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा ऐंठा जाता है। आरोपियों की पहचान श्रीराम चौरसिया, कृष्ण कुमार, विकास केसरवानी, अब्दुल खालिद, जिसार अहमद, सब युक्त प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। सर, यात्रा ब्यूरो रिपोर्ट, धन्यवाद। आर्मी इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम, एसओजी क्राइम की जो टीम है जिसके प्रभारी संजय सिंह हैं, उनके साथ में नार्को की टीम के महावीर ने एसपी क्राइम की अध्यक्षता में थाना करेली की टीम के साथ में कुछ ऐसे व्यक्तियों के गिरोह को पकड़ा है जो लोग नकली आईडी के आधार पर सिम बनवा लेते थे और वोडाफोन कंपनी से लोग सिम बनवाते थे। इस सिम को फिर ये लोग एक्टिवेट करके ऐसे लोगों को बेचते थे जो उनका साइबर क्राइम में इस्तेमाल करते थे। इन 5 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार किया है। अब्दुल खालिद, श्री राम चौरसिया, जीशान, विकास केसरवानी और कृष्ण कुमार सिंह। ये भी ज्ञात हुआ है कि ये लोग कॉल सेंटर चलाते थे, 2 कॉल सेंटर यहाँ पर प्रयागराज में, फ्यूचर ड्रीम्स कंपनी और विश्वास बीपीओ डिजिटल सॉल्यूशंस। ये दोनों कॉल सेंटर नौजवानों को नौकरी के नाम पर ठगते थे और उनको नौकरी नहीं दिलवा पाते थे और ये लोग ठगने का काम करते थे। सम्मिलित प्रयासों से इस पूरी टीम का भंडाफोड़ हुआ है। इसमें आगे भी और जांच की जाएगी, देखा जाएगा कि किन किन लोगों को इन्होंने अब तक गुमराह किया है। इनका दावा है कि इन्होंने लगभग 1000 सिम को बेचा है। इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं ये भी हम पता करने की कोशिश करेंगे। अभी हमें मौके से इनके पास से 30 सिम बरामद हुई है।